वाले दिन पहले मालविका की तबीयत का अचानक से खराब हो जाना, उसके बाद समर और नंदिनी की फाइट हो जाना, इन दोनों ही हादसों ने अनुपमा के न्यू ईयर की शुरुआत कुछ खास नहीं रखी। लेकिन बहुत जल्द अनुपमा की जिंदगी में आने वाला है एक ऐसा मोड़ जहां उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने के लिए हो जाइए तैयार। इसी एपिसोड से, इसी मोड़ से शुरू होगी अनुपमा की नई जिंदगी, उसका नया सफ़र अनुज के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों अनुज और अनुपमा दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, वहीं ऐसे में इन दिनों अनुपमा अनुज को समझने भी लगी है, तो धीरे धीरे करके इन दोनों के दरमियान बढ़ रही हैं नज़दीकियाँ। अनुपमा अपने दिल की बात अनुज से नहीं कह पा रही, लेकिन कहीं ना कहीं अनुज को इस बात का अंदाज़ा है कि अब अनुपमा भी उसे पसंद करने लगी है। और इस बात का अंदाज़ा अनुज को तब हुआ जब अनुपमा घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन अनुज ने उसे हक से रोका तो अनुपमा रुक भी गई। अनुपमा के चेहरे की वो स्माइल देखकर ही अनुज समझ गया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। इसी के साथ आप देखने वाले हैं बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स को, जहां पर अनुज करेगा अनुपमा को शादी के लिए प्रपोज। बिल्कुल सही सुना आपने कि अब अनुज और अनुपमा की शादी का ट्रैक देखने के लिए मिलने वाला है, अनुपमा का दुल्हन अवतार देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन ये जो एपिसोड है वो इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि फ़िलहाल नंदिनी और समर का रिश्ता अनुपमा के लिए एक हेडेक बना हुआ है। नंदिनी और समर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से इन दोनों ने अलग होने का फ़ैसला ले लिया। यहाँ तक कि समर ने तो शादी करने तक से भी इनकार कर दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि नंदिनी और समर की इस शादी वाली दिक्कत को कैसे दूर कर पाती है अनुपमा, और किस तरह से अनुज के साथ होती है उसकी एक नई शुरुआत।